तो फाइनली दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस गाइस पाकिस्तान के बीच जो T20 वर्ल्ड कप का 2022 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा उसके बीच हम चर्चा करेंगे। तो गाइस प्लेयर वाइज एनालिसिस करेंगे कौन कौन सा प्लेयर्स इंपोर्टेंट पिक होने वाला है। यदि आप स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग को क्रैक करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। तो वीडियो को आप लोग जो हुआ पूरा ध्यानपूर्वक देखना क्योंकि वीडियो जो हुआ काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है। मैं यहाँ पर से आपको पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस करूंगा कौन कौन सा प्लेयर्स आपके टीम में होना चाहिए और साथ में मेरे टीम में होना चाहिए ताकि एक प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके भाई लोग यहां पर से ढेर सारा पैसा विन करेंगे। तो सभी लोग पैसा जीतने आए तो सभी लोग यह वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको पूरा बारीकी से जानकारी देता हूं। उससे पहले मैं आज आपके लिए कुछ गिव अवे रखा हूं। गिव अवे क्या है मैं आपको बता देता हूं। यह जो गिव अवे रहेगा दो गिव अवे रहेगा, जैसे देख लो दो गिव अवे रहेगा। एक गिव अवे में मैं आपको बता देता हूं, एक गिव अवे में आपको जो हुआ प्यारा सा कमेंट करना है। इस गिव अवे में प्यारा सा आपको कमेंट बॉक्स में जाना और कमेंट करना है। कमेंट करते हो तो गाइस यहां पर से मैं जो हुआ तीन लक्की विनर को यहां पर से 200 रुपया प्रोवाइड कराऊंगा। 200 रुपया तीन लक्की विनर जिसका मुझे कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं अपने तरफ से जो हुआ 600 रुपया प्रोवाइड कराने वाला हूं। और साथ में एक गिव अवे जो रहेगा मैं मैच से रिलेटेड आपसे सवाल पूछूंगा। मैच से रिलेटेड यदि आप सही सही सवाल का जवाब दे देते हो तो गाइस आपको जो यहां पर से 500 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को जो हुआ पूरा देखना क्योंकि वीडियो जो हुआ काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है। मैं प्लेयर वाइज एनालिसिस करूंगा कि कौन कौन सा प्लेयर जो हुआ इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपके लिए एक एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिस एप्लीकेशन का नाम है गाइस फैन टू प्ले। फैन टू प्ले एप्लीकेशन जो भाई डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना, लिंक जो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर में इसका लिंक मिल जाएगा। और गाइस डाउनलोड कर लेते हो तो इसमें जो हुआ आपका डिपॉजिट लीडर बोर्ड जो यह रखा गया है वह 10 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक के यानी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक के डिपॉजिट लीडर बोर्ड है। तो इसमें आप जितना डिपॉजिट करना चाहते हो उतना आप डिपॉजिट करते हो। तो यदि आपका एक नंबर रैंक ऊपर जाता है डिपॉजिट में तो एक नंबर रैंक पर आपको जो हुआ एक TVS का बाइक प्रोवाइड यानी TVS का स्कूटर बाइक एक प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप यहां पर से 2 नंबर रैंक लाते हो तो गाइस 2 नंबर रैंक पर आपको एक IQ का मोबाइल भी दिया जाता है। और साथ में यदि आप यहां पर से 3 नंबर रैंक लाते हो तो 3 नंबर रैंक पर आपको जो हुआ एक आपको रियलमी नार्जो का मोबाइल प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस देर किस बात की है, अभी तक के जो भाई डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लेना और गाइस फैन टू प्ले एप्लीकेशन पर अभी से आप खेलना स्टार्ट कर दो और साथ में आपको यहां पर से डिपॉजिट जितना करना चाहते हो कर सकते हो। और गाइस इसी प्रकार आप 4 से लेकर के 7 रैंक लाते हो तो आपको जो हुआ फैन टू प्ले की तरफ से आपको जो हुआ 1 ग्राम गोल्ड क्वाइन प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार आपको 7 से लेकर के यानी 50 रैंक के बीच में लाते हो तो आप यहां पर से अच्छा खासा फैन टू प्ले की तरफ से इनाम विन कर सकते हो। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके जितना डिपॉजिट करना चाहते हो डिपॉजिट कर सकते हो। क्योंकि गाइस मैं भी जो खेलता हूं यहां पर से जो आपका लॉस हुआ है यह एप्लीकेशन में पूरा आप लॉस कवर कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं यह एप्लीकेशन का खासियत यह है गाइस यहां पर आप छोटा-छोटा एंट्री फी लगा करके आप ढेर सारा पैसा विन कर सकते हो, समझ रहे हो ना। क्योंकि यहां पर से देखो आदर्श एप्लीकेशन के मामले में यह एप्लीकेशन काफी ज्यादा ट्रस्ट एप्लीकेशन है। इसमें आप जैसे देखो 49 का एंट्री फी आपको लगाना है तो आप 49 का फी लगा करके इसमें आपको कंपटीशन जो हुआ काफी ज्यादा कम मिलेगा। और साथ में गाइस यहां पर से T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो उसमें आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा और साथ में यहां पर जो हुआ आपको ग्रांटेड विनिंग भी कराया जाता है। तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी लोग डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके अभी से खेलना स्टार्ट कर दो। क्योंकि गाइस स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो या हेड टू हेड हो, क्योंकि यहां पर से जैसे आप 3-4 लोग के साथ खेलते हो हेड टू हेड में विनिंग करना काफी ज्यादा आसान है। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में जो हुआ फैन टू प्ले एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। तो सभी लोग जाओ और जल्द से डाउनलोड कर लो। तो गाइस सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देख सकते हो यहां पर से जो भाई कमेंट करना चाहते हो प्यारा सा कमेंट सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कर सकते हो। जिसका मुझे कमेंट अच्छा लगेगा मैं यहां पर से गिव अवे जो उनको प्रोवाइड करूंगा। और साथ में इंपॉर्टेंट पिक ये है आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि मैं अपना फाइनल टीम और फाइनल रिजल्ट जो देता हूं वह टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। तो लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो गाइस वेन्यू की हम चर्चा करते हैं तो यह जो मुकाबला खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न यानी MCG में यह मुकाबला आपको खेला जाएगा जो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच 2022 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है। वही पिच की चर्चा करते हैं तो इसका पिच जो हुआ वायलेंसेड पिच होने वाला और इस पिच पर जो गुड फोर फेस यानी पेसर्स को काफी ज्यादा मदद मिलता है। और गाइस वही हम एवरेज स्कोर की चर्चा करके करते हैं मेलबर्न के ग्राउंड पर तो आपको एवरेज स्कोर जो हुआ 147 देखने को मिलने वाला यानी एवरेज स्कोर है। बाकी
गाइस डेट की चर्चा करते हैं तो डेट जो इसका रहने वाला है 13 नवंबर 2022 को और टाइमिंग जो रहेगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार 1:30 में इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान के बीच मुकाबला जो हुआ आपको लाइव देखने को मिलेगा। उससे पहले ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, जो भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो अपना फाइनल टीम बिल्कुल फ्री में, क्योंकि गाइस अभी जो ये दोनों के बीच टॉस नहीं हुआ, टॉस होने के बाद मैं अपना फाइनल टीम जो हुआ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर से प्लेयर वाइज एनालिसिस करते हैं कौन कौन सा प्लेयर्स जो हुआ इंपोर्टेंट पिक होने वाला। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो संभावित प्लेइंग 11 टीम रहने की काफी ज्यादा संभावना इंग्लैंड का, तो आपको जॉस बटलर, पी सेल्ट और गाइज आपको ए हेल्स, मोइन अली, एच ब्रुक, बेन स्टोक्स, सैम करन, लियम लिविस्टन और आपको जो नजर आता होगा मार्क वुड, क्रिस बॉक्स और गाइज आपको यहाँ पर से क्रिस जॉर्डन जो संभावित काफी ज्यादा प्लेइंग 11 टीम रहने की काफी संभावना है। बाकी जो भी चेंजेस आता है टॉस होने के बाद मैं फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 टीम के बारे में। तो गाइज देख सकते हो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 टीम विकेट कीपर में आपको मोहम्मद रिजवान, उसके बाद बाबर आजम, फिर आप देख सकते हो एस मसूद नजर आता होगा, इफ्तिकार अहमद, एम हरीस और गाइज सदाब खान, मोहम्मद नवाज और देख सकते हो आपको एस अफरीदी, शाहीन अफरीदी आपको नजर आता होगा, उसके बाद हरीस रौफ, नसीम शाह और गाइज यहां पर से मोहम्मद वसीम जो काफी ज्यादा प्लेइंग 11 टीम रहने की संभावना, इनके तरफ से आपको 2 विकेटकीपर देखने को मिलेगा मोहम्मद रिजवान और साथ में गाइज आपको एम हरीस, ये 2 विकेटकीपर के साथ जो पाकिस्तान उतरने वाला और साथ में इंग्लैंड के साथ भी यहां पर से 2 विकेटकीपर, एक जॉस बटलर और गाइज यहां पर से एक पी सेल्ट रहने वाला है। तो मैं प्लेयर वाइज एनालिसिस करता हूं मैं किस किस प्लेयर्स को अपने टीम में सेलेक्ट करने वाला, स्मॉल लीग और साथ में ग्रैंड लीग में किस किस प्लेयर्स को होना चाहिए। तो गाइज सबसे पहले देखो विकेट कीपर की हम चर्चा करते, तो विकेट कीपर में आपको जो नजर आता होगा जॉस बटलर, मोहम्मद रिजवान। तो गाइज जॉस बटलर और मोहम्मद रिजवान की करंट जो है वह 2 मैच की चर्चा करते, पिछले 2 मैच में कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो गाइज देख सकते हो जॉस बटलर जो यहां पर से रन मारे भारत के खिलाफ 80 रन, फिर 28 रन और गाइज इनका जो बैटिंग स्टाइल है वह राइट हैंड है, यहां पर से बैटिंग करते हैं। बाकी हम यहाँ पर से चर्चा करते हैं मोहम्मद रिजवान की, तो गाइज रिजवान की करंट 2 मैच में देख सकते हो न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको दिखाई देता होगा 57, फिर आपको 32 और यही हम इनका चर्चा करते हैं बैटिंग स्टाइल के। तो गाइज यहाँ पर से राइट हैंड बैटिंग स्टाइल है और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 2 प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला, क्योंकि आपको ओपनिंग करते हुए जो नज़र आएंगे यहाँ पर से ओपनिंग बैटिंग करते हैं जॉस बटलर और साथ में गाइज यहाँ पर से इधर से जो हुआ मोहम्मद रिजवान ओपनिंग बैटिंग करने आते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो गाइज मैं अपना टीम में जो सेलेक्ट करने वाला, बाकी आप ये 2 प्लेयर्स को चाहते हो ग्रैंड लीग यानी GL+SL दोनों में आप ट्राई कर सकते हो या प्लेयर्स मोहम्मद रिजवान जो हुआ काफ़ी ज़्यादा सेफ होने वाला है। बाकी आप चाहते हो यहाँ पर से जॉस बटलर और साथ में मोहम्मद रिजवान में से किसी एक प्लेयर्स को आप स्मॉल लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जो अपना टीम में सबसे पहले सेलेक्ट करने वाला हूँ, मेरे टीम में जो रहेगा जॉस बटलर को मैं अपने टीम में सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए मेरे टीम का जो हो गया वह जॉस बटलर हो गया, जॉस बटलर को मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया हूँ, फिर मैं जो सेलेक्ट करूँगा मोहम्मद रिजवान मेरे टीम में रहेगा। तो गाइज मैं अपने टीम में जो हुआ मोहम्मद रिजवान को सेलेक्ट कर लिया हूँ, क्योंकि गाइज ये 2 प्लेयर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जॉस बटलर यहाँ पर से ओपनिंग करते हुए नजर आएगा इंग्लैंड की तरफ से और गाइज यहाँ पर से आपको पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं विकेट कीपर सेक्शन से। बाकी इनके साथ आपको मोहम्मद रिजवान, फिर बाबर आजम, वही जॉस बटलर के साथ आपको देख सकते हो जॉस बटलर के साथ आपको यहाँ पर ए हेल्स। तो गाइज यहां पर से ये 2 प्लेयर्स आप स्मॉल लीग साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो और ये दोनों प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर्स को आप चाहते हो अपने अनुसार से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाइज मोहम्मद रिजवान का फॉर्म जो है वह काफी अभी थोड़ा फिलहाल में अच्छा चल रहा है। बाकी जॉस बटलर का भी काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा, पिछले 2 मैच में देख सकते हो 80 रन जो मारे भारत के खिलाफ, 28 रन। तो गाइज मैं ये 2 प्लेयर्स को अपने टीम में जो हुआ सेलेक्ट कर लिया हूं और मैंने बोला हूं आपको यहां पर से कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, बेस्ट चॉइस रहने वाला। बाकी गाइस हम यहां पर से बैटिंग सेक्शन से चर्चा करते हैं, तो बैटिंग सेक्शन में देख सकते हो आपको ए हेल्स नजर आता होगा, फिर इधर से आपको बाबर आजम नजर आता होगा। तो गाइस यहां पर से बाबर आजम ये प्लेयर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, क्योंकि यहां पर से न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में जो हुआ आपको 53 रन, फिर 25 रन, राइट हैंड इनका जो हुआ बैटिंग स्टाइल है। तो गाइस ये प्लेयर्स को आप स्मॉल लीग साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क में यहां पर से आप बाबर आजम को जो हुआ ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप इसे स्मॉल लीग में लेना चाहते हो ले सकते,
सकते हो यदि आप ग्रैंड लीग, मैं आपको बताता हूँ यदि आप जीएल में, जैसे देखो जीएल में आप चाहते हो इसे ड्रॉप करना तो कर सकते हो, बाबर आजम को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्क आप लेना चाहते हो तब मैंने आपको बोला। बाकी मैं जो चेंजेस करूँगा फाइनल, जो भी अपडेट करूँगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊँगा, तो इसलिए आप लोग को बोले आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो हुआ जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारा लोग ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भाई लोग ढेर सारा पैसा विन कर रहा है। अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जल्द से जाओ, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग ज्वाइन हो जाना। उसके बाद गाइस हम चर्चा करते हैं, इधर से देख सकते हो आपको बैटिंग सेक्शन से, तो बैटिंग सेक्शन में मैंने आपको बोला ए हेल्स, तो गाइस इनके करंट जो हुआ दो मैच की चर्चा करते हैं, तो दो मैच में देख सकते हो गाइस आपको बताता 86 रन फिर 47 रन, राइट हैंड इनका जो हुआ बैटिंग स्टाइल है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यह जो पूरा प्लेयर्स मैंने सेलेक्ट किया हूँ वह 12 प्लेयर्स है, मैंने यानी यहाँ पर से 12 प्लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया हूँ, बाकी ये जो आपको दिखाई देता होगा यह एक्स्ट्रा प्लेयर्स है, यह एक्स्ट्रा प्लेयर्स मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ एक्स्ट्रा में मैं किस प्लेयर्स को रखने वाला हूँ, चेंजेस होने के बाद टॉस होने के बाद कुछ चेंजेस करूंगा। तो गाइस ये मत बोलना भाई आप यहाँ पर से 12 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो, तो भाई होता है 11 प्लेयर और आप यहाँ पर से 12 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं भाई, मैं भी यहाँ पर से जो हुआ 11 ही प्लेयर सेलेक्ट करने वाला हूँ। बाकी गाइस हम यहाँ पर से बैटिंग सेक्शन में थे, तो बैटिंग सेक्शन में देख सकते हो आपको ए हेल्थ नजर आता होगा, फिर विकेट कीपर सेक्शन से इधर से आप देख सकते हो सबसे पहले आपको पी सेल्ट, क्योंकि गाइस यहाँ पर से पी सेल्ट को जो है लाया गया पिछले भारत के खिलाफ जो यहाँ पर से सेकेंड सेमीफाइनल खेला गया था उसमें, बाकी इनको जो हुआ मौका नहीं मिला पिछले कह सकते हो T20 वर्ल्ड कप में। फिर आपको जो नजर आता होगा विकेट कीपर सेक्शन में देख सकते हो एम हरीश, तो गाइज एम हरीश को चाहते हो आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, तो ग्रैंड लीग की क्योंकि ये जो प्लेयर्स है एम हरीश जो ये जो प्लेयर्स है काफ़ी अच्छा खासा प्लेयर्स है, कहने का ही कह सकते हो आप इसे ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, यदि स्मॉल लीग में करते हो तो आपके लिए जो वो थोड़ा रिक्स होगा एम हरीश, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज खेलते, तो गाइज ये प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, क्योंकि पिछले दो मैच में देख सकते हो 30 रन 31 रन, राइट हैंड इनका जो बैटिंग स्टाइल है, तो आप इस प्लेयर्स को यानी जीएल ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, यदि आप इसे भी चाहते हो ग्रैंड लीग में ट्राई करना तो जीएल में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये सभी प्लेयर्स का जो सिलेक्शन है काफी ज्यादा नीचे है, थोड़ा रिक्स लेना चाहते हो तो रिक्स ले सकते हो पीच सेल्ट के साथ भी, और साथ में गाइस यहां पर से एम हरीश को मैंने बोला जीएल में आप इसे जरूर से जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं जो चेंजेस करूंगा, मैं जो हो सकता है तो मैं यहां पर से यदि 5-6 कॉन्टेस्ट लगाता हूं तब मैं यहां पर से एम हरीश की रखने की काफी ज्यादा संभावना बनेगा, फिर साथ में मैं पीच सेल्ट के साथ भी जा सकता हूं। तो गाइस मैं यहां पर से सबसे पहले ए हेल्थ पर था, तो ए हेल्थ के बारे में चर्चा करते तो ये प्लेयर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, इस प्लेयर्स को आप स्मॉल लीग साथ में एसएल प्लस जीएल दोनों में ट्राई कर सकते हो, बाकी आप इसे चाहते हो सी या बीसी बनाना तो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गाइस इनका फॉर्म करंट जो हुआ काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, 86 रन 47 रन, और गाइस 86 रन जो मारे हुआ नाबाद रन मारे थे भारत के खिलाफ, उसके बाद इनका जो बैटिंग स्टाइल हुआ राइट हैंड यहाँ पर से बैटिंग करते, तो इस प्लेयर्स को ग्रैंड लीग साथ में स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर से सबसे पहले अपने टीम में जो सेलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर से ए हेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे टीम का जो प्लेयर्स हो गया मैं यहाँ पर से ए हेल्थ को सेलेक्ट कर लिया हूँ। बाकी गाइस देख सकते हो एस मसूद आपको नजर आता होगा, तो मसूद की जो हुआ क्वारंट दो मैच की चर्चा करते, दो मैच में देख सकते हो 3 रन 24 रन, लेफ्ट हैंड इनका बैटिंग स्टाइल, उसके बाद आपको इफ्तिकार अहमद नजर आता होगा, तो गाइस इफ्तिकार अहमद की करंट दो मैच में देख सकते हो 0 रन 1 रन, फिर यहाँ पर से राइट हैंड यहाँ पर से इनका जो हुआ बैटिंग स्टाइल है, और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ एस मसूद को लेना चाहता हूँ तो ले सकते हो, क्योंकि इनको बैटिंग का मौका 3rd नंबर पर नहीं तो यहाँ पर से 4th नंबर पर इनको बैटिंग का मौका दिया जाता है, तो आप स्मॉल लीग साथ में आप चाहते हो जीएल में ट्राई करना तो कर सकते हो, लेकिन जीएल के लिए यह प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, एस मसूद को रखना चाहते हो रख सकते हो। इफ्तिकार अहमद की चर्चा करते तो गाइस इफ्तिकार अहमद को आप चाहते हो स्मॉल लीग साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना तो आंख मूंद के कर सकते हो, स्मॉल प्लस जीएल दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ प्लेयर्स होने वाला, बाकी आप इसे चाहते हो ग्रैंड लीग में इफ्तिकार अहमद को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना तो बना सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिक्स रहेगा, तो मैं उतना ज़्यादा कोई जो हुआ रिक्स नहीं लेने वाला, और साथ में गाइस इनका सिलेक्शन जो हुआ काफ़ी कम लोगों ने सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ पर से सबसे पहले ए हेल्स को सेलेक्ट कर लिया, बाकी मैं चर्चा करता हूँ मोइन अली की, तो गाइस यहाँ पर से मोइन अली की जो हुआ करंट जो हुआ दो मैच की चर्चा करते हैं, सबसे पहले तो भारत के खिलाफ तो ये बैटिंग का इनको मौका मिला ही नहीं है, और पिछले मैच में इनका भाई जो हुआ फॉर्म काफ़ी खराब गया, 1 रन 5 रन, लेफ्ट हैंड यहां पर से बैटिंग स्टाइल है, और गाइस यहां पर से देख सकते हो आपको एच ब्रुक नजर आता होगा, तो गाइस एच ब्रुक्स को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान के सामने इनका जो पिछले कह सकते हो 7 T20 T20 का यहाँ पर से लीग जो खेला गया था इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान में, उन्होंने यहाँ पर से एच ब्रुक जो इनके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच रहा था, तो इसमें कुछ करने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो बाकी आप इसे चाहते हो ट्राई करना तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, आपके टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगा। तो मैं जो सबसे पहले
अपनी टीम में सेलेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर से एच ग्रुप को सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर से पाकिस्तान के खिलाफ इनका काफी अच्छा खासा कह सकते हो इनका परफॉर्मेंस रहा, तो हैरी ब्रुक को आप अपने टीम में जरूर से जरूर ट्राई कर सकते हो। बाकी गाइस इधर से हम चर्चा करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा में मैंने आपको बोला मैं तो बाबर आजम के साथ जाऊंगा। सबसे पहले मेरे टीम में तो बाबर आजम रहेगा, बाबर आजम को ले सकते हो। बाकी आप इसे ग्रैंड लीग में ड्रॉप करना चाहते हो तो ग्रैंड लीग में आप इसे ड्रॉप कर सकते हो। और गाइस एक्स्ट्रा में मैं किस प्लेयर्स को रखने वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर से आपको एस मसूद नजर आता होगा, फिर गाइस यहाँ पर से इफ्तिकार अहमद। तो गाइस मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये दो प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर्स को वह टॉस होने के बाद मैं रख सकता हूं, लेकिन काफी ज्यादा संभावना जो बनता है वह इफ्तिकार अहमद के साथ जाने वाला हूं मैं अपने टीम में। तो एक्स्ट्रा प्लेयर्स देख सकते हो मेरा एक ये एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहने वाला, अभी ये मेरी टीम में नहीं, इफ्तिकार अहमद को मैं फिलहाल जो हुआ ड्रॉप करके चल रहा हूं। मैं आपको सबसे पहले बता दिया हूं एक्स्ट्रा में यदि चेंजेस करूंगा तो इस प्लेयर्स को लेने की काफी ज्यादा संभावना बनेगा टॉस होने के बाद। जो भी चेंजेस करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको बताऊंगा। और गाइस उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं, यदि आप सवाल का सही सही जवाब देते हो तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि 500 रुपया जो हुआ आपको मेरे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, तो यह 500 रुपया को जीतना चाहते हो तो इसका जवाब आपको देना होगा। तो जवाब कैसे दे सकते हो मैं आपको बताता हूं, मैच से रिलेटेड ही आपसे सवाल पूछता हूं। तो गाइस सवाल यह है आज की मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, आज की मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, मैन ऑफ द मैच जो बनेगा वह पॉइंट कितना देगा साथ में, और गाइस यहां पर से कैच कितना को पकड़ेगा, रन आउट कितना को करेगा। देखो आज की मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, यदि आपका जवाब रहता मोहम्मद रिजवान बनता तो आप दे सकते हो, पॉइंट कितना देगा 100 देगा या गाइस 50 देगा या 200 देगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और साथ में यदि कैच कितना पकड़ेगा 1-2 पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा यह आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और गाइस रन आउट कितना को करेगा 1 को करेगा 0 को करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस इस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में तुक्का लगाना है, यदि आपका यार तुक्का सही हो जाता है तो आप मेरे तरफ से जो 500 रुपया बिल्कुल फ्री में विन कर सकते हो। तो जिसे भी तुक्का लगाना है जाओ कमेंट बॉक्स में तुक्का लगा देते हो तो आपका सही सही जवाब हो जाता है तो 500 रुपया आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे तरफ से। उसके बाद गाइस हम चर्चा करते हैं यहां पर से ऑलराउंडर्स सेक्शन से, तो ऑलराउंडर्स जो आज मैं करने वाला हूं वह तीन ऑलराउंडर्स करूंगा। तीन ऑलराउंडर्स किस किस प्लेयर्स को सेलेक्ट करने वाला हूं मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देख लो इधर से आपको तीन ऑलराउंडर्स जो आपको नजर आएगा इंग्लैंड की तरफ से, बेन स्टोक्स, सैम करन, लियम लिविस्टन। तो गाइस ये तीन ऑलराउंडर्स इसके तरफ से, फिर यहाँ पर से पाकिस्तान की तरफ से दो ऑलराउंडर्स रहने वाला है, दो ऑलराउंडर सदाब खान, मोहम्मद नवाज रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले बेन स्टोक की यहाँ पर से जो वो क्वारंट जो वो दो मैच की चर्चा करते, दो मैच में इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, 42 रन 8 रन। और गाइस बॉलिंग सेक्शन से देख सकते हो, बॉलिंग सेक्शन से आपको जो नजर आएगा यहाँ पर से 18 रन देकर के 0 विकेट, फिर यहाँ पर से 24 रन देकर के 1 विकेट, और यही जो इनका बैटिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग है। तो गाइस इस प्लेयर्स को आप स्मॉल लीग साथ में ग्रैंड लीग दोनों में जरूर से जरूर ट्राई करना है, क्योंकि यह जो मुकाबला फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो इस प्लेयर्स का काफी अच्छा खासा रिकॉर्ड रहता है भाई, फाइनल या सेमीफाइनल में इनका रिकॉर्ड रहता है। तो मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो प्रिडिक्शन है उसके अनुसार से बता रहे हैं। तो गाइस मैं जो अपना टीम में सबसे पहले सेलेक्ट करने वाला हूं बेन स्टोक को, क्योंकि गाइस देखो ये बॉलिंग भी हो सकता है तो बॉलिंग से भी कुछ विकेट ले सकते हैं। बाकी यदि सबसे पहले यदि मान लो इंग्लैंड का विकेट गिरता है तो यहां पर से ये बैटिंग लाइन इनका काफी ज्यादा मजबूत है भाई, बैटिंग से आपको अच्छा खासा रन मार करके दे सकते हैं बेन स्टोक। तो मेरे टीम में सबसे पहले बेन स्टोक को मैं यहां पर से सेलेक्ट करूंगा, बी स्टोक हो गया, बेन स्टोक को सेलेक्ट कर लिया। फिर गाइस आप देख सकते हो आपको सैम करन नजर आता होगा, तो सैम करन की करंट दो मैच की चर्चा करते थे, इस प्लेयर्स जो वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। तो गाइस ये प्लेयर्स देख सकते हो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, यहां पर से इनका जो बॉलिंग स्टाइल है वही यहां पर से करंट दो मैच में चर्चा करते हैं, तो 42 रन देकर के 0 विकेट, 27 रन देकर के 1 विकेट। तो इस प्लेयर्स को आप बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, क्योंकि गाइस ये प्लेयर्स काफी ज्यादा सेफ प्लेयर्स होने वाला स्मॉल लीग साथ में ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। बाकी आप इसे चाहते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना ग्रैंड लीग के लिए तो बना सकते हो, बाकी आप बेन स्टोक के साथ भी जा सकते हो। वही लिविस्टन की चर्चा करते हैं, तो गाइस लिविस्टन को मैं जो फिलहाल ड्रॉप करके चलूंगा, किस और क्यों रीजन से मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि गाइस यह जो पिच होने वाला हुआ यानी पेसर्स को काफी ज्यादा इस पिच पर मदद मिलेगा, वैसे मैं यहां पर से एक स्पिनर जो हुआ सदाब खान को अपने टीम में सेलेक्ट करने वाला, तो मैं फिलहाल जो यहां पर से लियम लिविस्टन को ड्रॉप करके चल रहा हूं। मेरे टीम में सबसे पहले एस करन हो गया यानी सैम करन को मैं अपना टीम में जो हुआ सेलेक्ट कर दिया हूं, सैम करन हो गया। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इधर से आपको नजर आता हुआ सदाब खान, तो गाइस सदाब खान की जो हुआ करंट जो हुआ दो मैच की चर्चा करते हैं। सबसे पहले सदाब खान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां पर बैटिंग नहीं किया पिछले, यहां पर से देख सकते हो 5 रन फिर 52 रन, राइट हैंड इनका जो हुआ बैटिंग स्टाइल वही बॉलिंग से चर्चा करते हैं करंट दो मैच में। तो गाइस देख सकते हो 33 रन देकर के 0 विकेट, फिर यहां पर से 30 रन लेकर के 2 विकेट, और गाइस यहां पर से लेग ब्रेक यहां पर से बॉलिंग करते हैं, तो मैं अपना टीम में इस प्लेयर्स को ट्राई करूंगा। फिर यहां पर से मोहम्मद नवाज नजर आता हुआ, तो गाइस नवाज का जो यहां पर से बॉलिंग
से देख सकते हो बॉलिंग से भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा और इनको बॉलिंग का मौका जब हुआ काफी ज्यादा कम मिलता। तो इस प्लेयर्स को मैं यहाँ पर से मोहम्मद नवाज को फिलहाल जो हुआ ड्रॉप करके चलूंगा। तो मेरे टीम में सबसे पहले इधर से जो रहेगा वह शादाब खान यानी एस खान को मैं अपने टीम में सेलेक्ट कर लिया हूँ। शादाब खान हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर से बॉलिंग सेक्शन से चर्चा करते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में देख सकते हो आपको जो नजर आता हुआ इधर से एम वुड यानी मार्क वुड, क्रिस वॉक, क्रिस जॉर्डन। तो गाइस इनके करंट जब वो थ्री मैच की चर्चा करते हैं तो देख सकते हो एम वुड यहाँ पर से 26 रन देकर के 3 विकेट, फिर यहाँ पर से 26 रन देकर के 1 विकेट। राइट आर्म फास्ट है यहाँ पर से इनका जो हुआ बॉलिंग स्टाइल है। क्रिस वॉक्स देख सकते हो गाइस 24 रन देकर के 1 विकेट, 24 रन देकर के 1 विकेट। राइट आर्म यहाँ पर से फास्ट बॉलर होने वाला। तो मैं जो सबसे पहले आपको बता देता हूँ मैं जो यहाँ पर से सेलेक्ट करने वाला, और गाइस इधर से देख लो बॉलिंग सेक्शन में एस अफरीदी आपको नजर आता होगा, शाहीन अफरीदी। तो गाइस इस प्लेयर्स जो इसे आप चाहते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन सी या बी सी बनाना तो ग्रैंड लीग में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काफी ज्यादा सेफ रहने वाला है। क्योंकि गाइस देख सकते हो पिछले यहाँ पर से दो मैच में इनका जो परफॉर्मेंस रहा है लेफ्ट हैंड यहाँ पर से जो ये जो बॉलिंग करते हैं, और गाइस 24 रन देकर के 2 विकेट, 22 रन देकर के 4 विकेट। और गाइस इस प्लेयर्स को तो मैं अपना टीम में सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा, यदि होता है तो इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूं। चेंजेस में क्या करूंगा, ऑलराउंडर्स हो सकता है तो मैं एक कम कर सकता हूं, और गाइस बॉलिंग सेक्शन जो हुआ 4 कर सकता हूं। बॉलिंग सेक्शन 4 करूंगा तो मैं किस किस बॉलर्स के साथ जाने वाला हूं मैं अभी आपको बता देता हूं। टॉस होने के बाद हो सकता है तो मैं यहां पर से चेंजेस करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो सेलेक्ट करूंगा उसके बाद हरीश रॉफ को देख सकते हो 32 रन देकर के 0 विकेट, 21 रन देकर के 1 विकेट। राइट आर्म फास्ट यहां पर से बॉलिंग करते, फिर नसीम शाह देख सकते हो 30 रन देकर के 0 विकेट, फिर 15 रन देकर के 0 विकेट। राइट आर्म फास्ट यहां पर से बॉलिंग करते, फिर एम वसीम आपको नजर आता होगा। तो गाइस वसीम यहां पर से 15 रन देकर के 0 विकेट, 19 रन देकर के 0 विकेट। बाकी आप इस प्लेयर्स को चाहते हो जीएल में ट्राई करना, एसएल में ट्राई करना तो कर सकते हो। वसीम के पिछले मैच में अच्छा खासा रिकॉर्ड रहा, यहां पर से कर सकते हो दो मैच इनका जो हुआ काफी ज्यादा खराब गया। तो मैं सबसे पहले अपने टीम में जो हुआ सेलेक्ट करने वाला हूं, मार्क वुड मेरे टीम में रहेगा। तो गाइस यहां पर से मार्क वुड को मैं यहां पर से सेलेक्ट कर लिया हूं। उसके बाद आप देख सकते हो क्रिस वॉक्स नजर आता हो, तो गाइस क्रिस बॉक्स की जो हुआ करंट जो है वह हम चर्चा करते हैं। दो मैच के 24 रन देकर के 1 विकेट, 24 रन देकर के 1 विकेट। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं सी जॉर्डन यानी आपको क्रिस जॉर्डन नीचे में नजर आता हो, 43 रन देकर के 3 विकेट, फिर आपको 36 रन देकर के 1 विकेट। राइट आर्म मीडियम फास्ट यहां पर से बॉलिंग करते हैं। तो ये प्लेयर्स भी मैं अपना टीम में सेलेक्ट करने वाला हूं। यह प्लेयर्स का भी काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, सी जॉर्डन को सेलेक्ट कर लिया, क्रिस जॉर्डन मेरे टीम में हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला यहां पर से शाहीन अफरीदी को मैं अपने टीम में सेलेक्ट करने वाला हूं, शाहीन अफरीदी को। और गाइस यहां पर से हो सकता है तो ऑलराउंडर्स कम करते हैं या बैटिंग सेक्शन में टॉस होने के बाद चेंजेस करता हूं, तो मैं यहां पर से एम वसीम को अपने टीम में जो हुआ सेलेक्ट कर सकता हूं, यानी मोहम्मद वसीम को अपने टीम में ले सकता हूं। ये भी एक्स्ट्रा है और साथ में ये भी एक्स्ट्रा टीम मैंने क्रिएट किया है, यानी दो टीम एक्स्ट्रा क्रिएट किया हूं। बाकी जो भी चेंजेस करेंगे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको दूंगा। तो गाइस यहां पर से चर्चा कर लेते हैं मैंने जो प्लेइंग 11 टीम किस प्रकार से सेलेक्ट किया, जॉस बटलर, मोहम्मद रिजवान, ए हेल्स, उसके बाद गाइस आपको जो नजर आता हुआ हैरी ब्रुक, एच ब्रुक को मैंने सेलेक्ट किया, बाबर आजम एक्स्ट्रा मैंने इफ्तिकार अहमद को सेलेक्ट किया, बेन स्टोक, सैम करन, उसके बाद गाइस आपको शादाब खान नजर आता हुआ, फिर देख सकते हो आपको जो नजर आता हुआ मार्क वुड को यहां पर से सेलेक्ट किया, क्रिस जॉर्डन आपको नजर आता हुआ, फिर यहां पर से देख सकते हो शाहीन अफरीदी, और गाइस मैंने एक्स्ट्रा में जो एम वसीम को बोला हूं अपने टीम में रख सकता हूं। बाकी हम चर्चा करते हैं इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो गाइस मैं जो कैप्टन थोड़ा ग्रैंड लीग के लिए आप कैप्टन बना सकते हो तो आप हैरी ब्रुक के साथ सीरीज जा सकते हो, क्योंकि गाइस पिछले टी20 का सीरीज जो यहां पर से इंग्लैंड और साथ में यानी टी20 वर्ल्ड कप से पहले खेल करके आया था उसमें यहां पर से जो इनके खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ कैप्टन जो यहां पर से जो हुआ हैरी ब्रुक, तो गाइस हैरी ब्रुक यहां पर से जो हुआ मैन ऑफ द मैच बना था। तो इस प्लेयर्स को आप रख सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा जो कैप्टन है यदि सबसे पहले इंग्लैंड बैटिंग करता है तो गाइस मैं जो कैप्टन बनाऊंगा वह जॉस बटलर को सी बनाने वाला हूं, कैप्टन सीज बनाऊंगा। यदि मान लेते पाकिस्तान सबसे पहले बैटिंग करता है तो आप शादाब खान के साथ सीज जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहां पर से जॉस बटलर को सी बनाया हूं। यदि वही बीसी की चर्चा करते हैं तो बीसी जो मेरे टीम का रहने वाला वह सेम करण को मैं बीसी बना सकता हूं, नहीं तो बॉलिंग सेक्शन में चेंजेस करता हूं तो मैं यहां पर से मार्क वुड के साथ बीसी जा सकता हूं। तो गाइस इस प्रकार से मेरा जो हुआ अभी प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट हो चुका है। बाकी जो भी चेंजेस करेंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी लोग जाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।